welcome on stage the next generation of network marketing. The biggest example of the youth in India. And it's none other than Mr. Nikhil Chandran, sir. So now it's a very important time because it's the entry of the young youth of MI Lifestyle, Mr. Nikhil Chandran sir, the Young Leader Award under 40 2022, motivational speaker and trainer by the Brand Story, Indian Brand and Leadership Conclave 2022, best example of youth in India. I would request everyone. সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনাদের মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটটা একটু জ্বালিয়ে স্যারকে ওয়েলকাম করবেন। আই উইল রিকোয়েস্ট অল দ্য টিসি অ্যান্ড অবাব লিডার্স অন দ্য স্টেজ অ্যান্ড মাই মম ইজ মিসেস মিনা মন্ডল অ্যান্ড মাই ড্যাড মিস্টার পালন মন্ডল অন দ্য স্টেজ ফর আ ওয়ার্ম রেকগনিশন। नमस्कार। जैसे अपने सर ने पूछा इधर कितने लोग नए हैं, तो मेरे हिसाब से 90% लोग ने हाथ उठाया है, राइट और रॉन्ग? तो शायद से आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे, थोड़ा अपने परिचय करना चाहता हूँ। मेरा नाम निखिल चंदन है। सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे इंसान का जिन्होंने मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है, जिन्होंने मुझे माई लाइफस्टाइल जैसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, इज नन अदर देन माई फादर, मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जय चंदन सर, राइट? दोस्तों, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके महागुरु जिनको मैं रिसेंटली मिला और इनको बहुत टाइम से देखता हूं, वो भी मेरे लिए एक रोल मॉडल है। ऐसे आईटीसी मिस्टर पलान मंडल सर के लिए जोरदार तालियां, राइट? उसके बाद उनके एनटीसी मिस्टर सरकार सर के लिए जोरदार तालियां, राइट? उसके बाद आपके हर एक रैंक होल्डर से लेके इधर आया हुआ हर एक व्यक्ति को निखिल चंदन का कोटि 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 प्रणाम दोस्तों। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज जो अपने बीच में आए हुए हैं, अपने माइंड मैनेजमेंट के
मिस्टर कंपनी के सीओओ मिस्टर सलील मैथ्यू सर के लिए जोरदार तालियां, राइट। उसके बाद आपके लाडले, आपके चहेते जो जिन रात मेहनत करते हैं आपका बिजनेस को, आपको आपको आपके स्टेट्स में, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट्स में बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ऐसे अपने वेस्ट बंगाल के कौन सर, वेस्ट बंगाल के रीजनल मैनेजर अपने गुना शेखरन सर के लिए जोरदार तालियां, राइट। दोस्तों नॉर्मली मेरे आवाज पीछे तक आ रही है ना, दोस्तों नॉर्मली क्या होता है ना, हम जब भी फील्ड वर्क करने जाते हैं ना, जब हम किसी को भी अपने कंपनी का प्लान दिखाते हैं, राइट, जब हम आगे और पीछे के लिए क्या है, ओके, जब हम किसी को भी अपने कंपनी का प्लान दिखाते हैं, वो आदमी जब हम किसी को भी अपनी कंपनी का प्लान दिखाते हैं ना, वो आदमी क्या बोलता है, यार मुझे मालूम है तेरी कंपनी का प्लान नंबर वन है, राइट और रॉन्ग। जब हम उसे अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, वो आदमी बोलता है यार मुझे मालूम है तेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स नंबर वन है, राइट और रॉन्ग। जब हम उसे अपनी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, वो आदमी बोलता है यार मैं जानता हूं तेरी मैनेजमेंट नंबर वन है, राइट और रॉन्ग। पर वो इंसान एक सवाल जरूर पूछता है, वो सवाल क्या होता है, यार वो सब तो ठीक है, कंपनी कब तक चलने वाली है भाई, पूछती नहीं पूछती है। आज मैं आपको वादा करता हूं, आज मेरा पूरा स्पीच खत्म होने तक, आज अपने सीओओ सलील मैथ्यू सर को सुनने के बाद, ये पूरा इवेंट खत्म होने के बाद, आप लोगों को एक यकीन हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी कब तक चलने वाली है भाई, राइट। दोस्तों नॉर्मली मेरा स्पीच चालू करने से पहले मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूं, राइट। एक इंसान है कलकत्ता में रहता है, एक इंसान है कलकत्ता में रहता है, उसका बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग, एक इंसान है कलकत्ता में रहता है, उसका बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग, वो ट्रेन में बैठता है, उसको जाना है मुंबई, वो ट्रेन में बैठता है, उसको जाना है मुंबई, दूसरे स्टेशन पे एक और एक इंसान ज्वाइन करता है उसको, वो ही उसके सामने बैठता है, ठीक है। दूसरा इंसान का बैकग्राउंड एक साइंटिस्ट, पहला इंसान का बैकग्राउंड क्या था सर, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा आदमी का बैकग्राउंड साइंटिस्ट, तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, मुंह देखते देखते बात करते करते धीरे धीरे करके बात चालू की, बात चालू करने के बाद आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, साइंटिस्ट बोलता है मेरा प्रोफेशन बड़ा है, मैं तुझसे बड़ा आदमी हूं। डायरेक्ट सेलर वाला आदमी बोलता है नहीं सर, मेरा प्रोफेशन बड़ा है, मैं आपसे बड़ा हूं। तो साइंटिस्ट बोलता है क्यों ना एक जनरल नॉलेज का कॉम्पिटिशन करते हैं, देखते हैं कि कौन किसका बाप, सबको समझ में आया, राइट। तो डायरेक्ट सेलर वाला बोलते हैं सर चलो डन सर, आप जिसे बोलते हैं ऐसे करते हैं। तो साइंटिस्ट बोलता है मुझे मालूम है तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, साइंटिस्ट बोलता है मुझे मालूम है तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो गेम चालू करने के लिए फेयर रूल्स करते हैं। फेयर रूल्स साइंटिस्ट क्या बोलता है, देख भाई अगर तू कोई भी गलत जवाब देता है तू तेरे पॉकेट से निकलना 40 रुपए, और अगर मैं कोई भी गलत जवाब देता हूं मैं अपने पॉकेट से निकालूंगा 1000 रुपए, सबको समझ में आया। अगर डायरेक्ट सेलर गलत जवाब दिया तो निकालेगा 40 रुपए, और अगर साइंटिस्ट गलत जवाब दिया तो निकालेगा 1000 रुपए, ठीक है। पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछता है डायरेक्ट सेलर को, क्या पूछता है, अभी ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फाइट चल रहा है क्या लगता है किसकी गलती है, ओके। डायरेक्ट सेलर वाला आदमी बोलता है सॉरी सर मुझे पता नहीं, राइट। तो डायरेक्ट सेलर उसके पॉकेट से 40 रुपए निकालता है और साइंटिस्ट को दे देता है। दूसरा क्वेश्चन वापस साइंटिस्ट पूछता है, क्या पूछता है, यार तुझे एटॉमिक और न्यूटन का लॉ पता है क्या। तो डायरेक्ट सेलर बोलता है सॉरी सर मुझे पता नहीं, वापस 40 रुपए निकाल के दे देता है साइंटिस्ट को।
तीसरा क्वेश्चन वापस साइंटिस्ट पूछता है डायरेक्ट सेलर बोलता है सर आपने दो क्वेश्चन पूछा अभी मेरे को एक क्वेश्चन तो पूछने दो, तो साइंटिस्ट बोलता है हाँ मुझे पूछो। तो डायरेक्ट सेलर और साइंटिस्ट को एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, आप मुझे एक जानवर का नाम बताओ, आप मुझे एक जानवर का नाम बताओ जब वो जानवर पहाड़ चलता है नीचे से ऊपर चार पहियों में चलता है, जब वो जानवर पहाड़ चलता है नीचे से ऊपर वो चार पहियों में चलता है, पर वही जानवर जब ऊपर से नीचे आता है तीन पहियों में आता है। सबको समझ में आया, जानवर जब नीचे से ऊपर जाता है चार पहियों में जाता है, चार पैर में जाता है, पर वही जानवर जब ऊपर से नीचे आता है तीन पैर में आता है। साइंटिस्ट सोचता है यार ऐसा कौन सा जानवर है जो जाता है चार पहियों में आता है तीन पहियों में। साइंटिस्ट सोचता है 10 मिनट सोचा, 15 मिनट सोचा, 20 मिनट सोचा, 30 मिनट सोचा, उसके बाद साइंटिस्ट बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं, 1000 रुपये निकाला उसके पॉकेट से और दिया वो 1000 रुपये डायरेक्ट सेलर को। राइट, डायरेक्ट सेलर को 1000 रुपये दिया, डायरेक्ट सेलर वापस दूसरा एक और एक क्वेश्चन पूछने जाता है। साइंटिस्ट बोलता है एक सेकेंड भाई रुक जा, वो जानवर का नाम तो पता कौन सा जानवर है। तो डायरेक्ट सेलर बोलता है सर ये लो 40 रुपये, सॉरी सर मुझे पता नहीं। उसका मतलब इधर आप में से जितने भी लोग इधर आए हुए ना, आपको शायद से लगता होगा भाई अगर डायरेक्ट सेलिंग में या माय लाइफस्टाइल में लखपति करोड़पति डायमंड बनना है तो आपको बड़ी 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 डिग्री की जरूरत है। गलत, अगर आप 4 से 5 साल फुल टाइम एज अ करियर ए बिजनेस को देने के लिए तैयार हो, ए बिजनेस आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए तैयार होगा। राइट दोस्तों, उसके बाद कमिंग ऑन माय स्पीच, जैसे आपको पता है करंट अगर डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, आज अपना डायरेक्ट सेलिंग लॉकडाउन के टाइम पे कितना ग्रो हुआ सबको पता है। राइट, सही किधर से ऑपरेट करूं? ओके, तो दोस्तों ये रीसेंट आर्टिकल आया है इकोनॉमिक टाइम्स का, शायद से आप सारे लोगों ने देखा और मैंने अपने सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया था। इधर क्या लिखा हुआ है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ग्रोस टू 7.7% एंड इट्स टर्नओवर टचेस टू 18,000 crores। राइट दोस्तों, इसका ये आर्टिकल देखने के बाद मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम ग्रोथ होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? क्यों? बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग लॉकडाउन के टाइम पे एक ऐसी इंडस्ट्री बनी जहां लोगों के धंधे बनते लॉकडाउन में, उधर ही अपनी डायरेक्ट सेलिंग 7.7% ग्रो कर पाई। उसके अलावा जहां लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां जा रही थी, उधर ही इधर लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग ने मोर देन 45 लाख लोगों को रोजगार दिया है। राइट, ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है अपने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए। दोस्तों उसके अलावा अगर मैं अपनी विजन की मैं बात करूं, विजन से पहले मैं जैसे बोला इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे, पर मैं ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूँगा कि मैं किधर से आता हूँ, क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। लेकिन आप में से 99.9% लोग यही सोच रहे होंगे कि सर आपको स्टेज कैसे मिला, मतलब आप प्रवीण सर के लड़के हो इसलिए आपको स्टेज मिल गया ना करके आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन एक ही एक चीज बोलूंगा, मेरे लिए भी जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं उनको लगता होगा मेरे लिए माय लाइफस्टाइल इतना इजी था, नीचे से ऊपर चल के आया या नीचे से ऊपर आ गया, मेरे लिए माय लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट था, मेरे लिए माय लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट था, बहुत स्ट्रगलिंग जैसा था। बिकॉज मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोला जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे को क्या बोला, निखिल अगर तुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझना है, अगर तुझे मेरे लीडर्स को समझना है
तो तुझे अपने तीन स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील वर्क करना पड़ेगा, तभी तू मेरे लोगों को समझेगा, तभी तू मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझेगा। इनिशियल स्टेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जिंदगी में कभी भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, जिंदगी में कभी भी बजट में रहा नहीं, जिंदगी में कभी भी आम इंसान के जैसे उसके वे में कभी देखा नहीं था। क्यों? बिकॉज मैं गोल्डन स्पून बॉय था। गोल्डन स्पून बॉय जानते होंगे आप लोग, मैं गोल्डन स्पून बॉय था माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन करने से पहले। लेकिन जब मैं माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन किया, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के वे में देखा, GTS जाता था आप ही लोगों की तरह, लोगों के बीच में बैठता था, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था, ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। मैं ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, पर माई लाइफ स्टाइल मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था। जैसे लोग बोलते हैं कि सर, जैसे लोग बोलते हैं हर आदमी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ऐसे ही मेरे लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया था। और टर्निंग पॉइंट ये था कि मैंने अपने पापा का स्पीच सुना था उस टाइम पे पहली बार। मैं गुवाहाटी चला गया था फील्ड वर्क करने के लिए, राइट। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तुझे माय लाइफस्टाइल ही करना है या तुझे कोई दूसरी इंडस्ट्रीज में जाना है। मैंने अपने पापा को एक एक चीज बोला। क्या बोला? कि पापा जैसे आप बोलते हो भगवान ने प्रवीण चंदन को बनाया है अपने इंडियंस और अपने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करने के लिए, राइट और रॉन्ग। ऐसे ही उस दिन मैंने अपने पापा को बोला कि पापा जैसे आप बोलते हो कि भगवान ने आपको बनाया है, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को भी बनाया है, इंडिया में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए, राइट। दोस्तों उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल कमिटमेंट किया कि पापा जितना मेहनत आपने किया है उससे 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मरते दम तक कभी माय लाइफस्टाइल छोड़ के जाऊँगा नहीं, राइट। वन सिंगल प्रॉमिस एंड वन सिंगल कमिटमेंट। दोस्तों आप लोग शायद से मुझे पर्सनली जानते नहीं हो, लेकिन इधर जो टॉप लीडर्स है पलान मंडल सर और सब लोग जो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, सर 20 साल का था जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया। कितना सर? 20 साल का था जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया। आज मुझे करीबन 4 साल हो गया, टुडे आई एम 24 years old, 4 साल से मैं माय लाइफस्टाइल में हूँ, राइट। आज ये बात शायद से आप लोग जानते नहीं हैं लेकिन टॉप लीडर्स शायद से जानते हैं, आज के टाइम पे अगर मैं काम नहीं करूँ, बिजनेस नहीं करूँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी ऐश और आराम की ज़िंदगी जीऊँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग आज अलग 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 इंडस्ट्रीज में हैं। तो फिर भी क्यों मैं आज इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मैं आज इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों मैं आज हर छोटी छोटी जगह जा रहा हूँ। जो जानता नहीं है, आज मेरा 83rd day है, घर गया नहीं मैं, पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। कल मैं था कन्नूर में, उसके पहले था रायपुर में, ऐसे ही पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। क्यों? एक ही एक रीज़न, और रीज़न ये है मेरे पापा और अपने माइंड मैनेजमेंट का सपना। सपना क्या है सुनना चाहते हो? सपना बहुत क्लियर है, सपना बहुत क्लियर है। सपना ये है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो भी सपना लेके आता है उसको सपने को पूरा करना ही हमारा धर्म है, दैट्स इट। इसलिए आज मैं इतना ट्रैवल करता हूं। दोस्तों उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है सर? माय विजन एंड माय लाइफस्टाइल मेक यू टू टुडे आई एम 24 years old, राइट। मैं इधर जानना चाहता हूँ इधर कितने लोग ऐसे हैं जो 30 साल के अंदर है सर? हु आर यूथ, हु आर यंगस्टर्स 30 साल के अंदर कितने लोग है सर, राइट। दोस्तों मैं जब भी यूथ और यंगस्टर्स के बारे में बात करता हूँ ना, थोड़ा इमोशनल होता हूँ। मैंने अपना विजन, मेरा जो विजन है यूथ, मेरा जो विजन है यूथ, मैं क्यों मेरा विजन यूथ के बारे में इतना सोचता हूँ? हर चीज के कारण एक पर्पस होता है, राइट और रॉन्ग। हर कारण के कारण एक पर्पस होता है। मेरा भी एक बहुत बड़ा पर्पस है, आज शेयर करता हूं आपसे। आज से 3 साल पहले सर एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूं क्यों मैंने विजन यूथ ही सेलेक्ट किया है। आज से 3 साल पहले मेरा एक दोस्त था, दोस्त है अभी भी, आकाश करके उसका नाम है।
जो मेरा स्कूल मेट, चाइल्डहुड मेट, बचपन का दोस्त, साथ में स्कूल पढ़े, साथ में कॉलेज में थे, घर के बाजू में रहता था, बहुत अच्छा खास दोस्त, आकाश का एक छोटा भाई था, राइट? 3 साल पहले आकाश का एक छोटा भाई था, 3 साल पहले उसका बोर्ड एग्जाम दे रहा था, ठीक है? मैं आकाश के भाई का स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। एक एक रीजन, जब मैं आकाश के छोटे भाई को मिला ना, वो थोड़ा मुझे हटके लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा सब लोगों में से। उसका 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहा था, मैंने पूछा तेरे लाइफ के क्या गोल्स है, वो मुझे क्या बोलते हैं मालूम है, निखिल भैया मैं अपने लाइफ में बहुत क्लियर हूँ, 12th में मुझे 96 से 98% आएगा, जब मुझे 96 से 98% आएगा, मुझे चेन्नई का जो नंबर 1 कॉलेज है लॉयला करके, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मुझे 3 साल के बाद मैं यूएसए जाऊंगा, 3 साल यूएसए जाने के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा करके वो बता रहा था। मैं शॉक था, हाँ, एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा 10 साल का प्लानिंग कर रहा था। मैं तो भाई इतना सीरियस नहीं था जब मैं 12th में था, पर मैं शॉक था, एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा इतना सीरियस कैसे हो सकता है। मैंने मालूम है आकाश को क्या बोला, भाई लिख के ले ले, 100% तेरा भाई एक दिन बड़ा आदमी बनने वाला है, राइट और रॉन्ग यार, इतना बड़ा ड्रीम्स 12th स्टैंडर्ड में। मैं बोला यार 100% बड़ा आदमी बनने वाला तेरा भाई, राइट? जब उसका 12th एग्जाम चालू हुआ, बीच में मैंने कॉल करके उसको पूछा, भाई कैसे जा रहे तेरे एग्जाम्स? वो बोला निखिल भैया 100% मेरे जो गोल्स है 100% अचीव हो जाएंगे। 12th जब खत्म हुआ, जब उसके एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स आ रहे थे बोर्ड एग्जाम के, मैंने आकाश को फोन किया, आकाश को कॉल किया, कॉल करके मैंने बोला कि भाई तू तेरे भाई का रोल नंबर दे और डेट ऑफ बर्थ दे, मैं खुद पर्सनली चेक करना चाहता हूँ तेरे भाई को कितना मिला है। उसका भाई का रोल नंबर लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, डाला ऑनलाइन में। हिज ब्रदर, आकाश का जो छोटा भाई है, ही स्कोर्ड 88%। कितना सर? ही स्कोर्ड 88%। मैं तो बहुत खुश था, 88% मेरे लिए तो भाई सेंचुरी जैसा है, राइट और रॉन्ग? और 88 बहुत अच्छे मार्क्स है, राइट और रॉन्ग? ही स्कोर्ड 88%। मैंने अंकल को कॉल किया, अंकल पार्टी किधर दे रहे हो, आपको आपका बेटे का एडमिशन का झंझट का टेंशन मत लेना, मैं पूरा हैंडल कर लूंगा, बिकॉज 88 इज अ ब्यूटिफुल मार्क्स, राइट? पर आकाश का जो छोटा भाई है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था खुद से, क्योंकि ठीक है ड्रीम किया 96 98 88 आ गया, क्या फर्क पड़ता है भाई, इतने ही तो कम है, क्या फर्क पड़ता है। जब एक आदमी के गोल्स फुलफिल नहीं होते हैं ना, वो आदमी एक दिन नाराज रहेगा, 2 दिन नाराज रहेगा, 3 दिन नाराज रहेगा, राइट और रॉन्ग? पर जो चीज शॉकिंग हुई थी, 1 हफ्ते के बाद मेरा दोस्त का जो छोटा भाई है ना, जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड लेस मार्क्स, सुसाइड कर लेता है। जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड लेस मार्क्स, सुसाइड कर लेता है। दोस्तों मैं उसको पर्सनली जानता था, इसलिए मैं आज आपको ये स्टोरी शेयर कर रहा हूं। लेकिन आज सोच के देखो, आज इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो आज राइट एजुकेशन नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते हैं, जो आज राइट जॉब नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते हैं, जो आज राइट बिजनेस नहीं चलने के कारण सुसाइड करते हैं, आज कितने सारे अपने किसान लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, जो आज राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते करते नहीं करते सर, पूरे इंडिया में क्यों? बिकॉज उनको आज के टाइम पे एक राइट करियर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनको आज के टाइम पे एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला, राइट और रॉन्ग? वो एक यंगस्टर था, इसलिए वो यंगस्टर को लेके मैंने अपना विजन बनाया है। आने वाले टाइम में कोई यंगस्टर बेरोजगार के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जिंदगी में कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए यार, हर एक यंगस्टर के लिए एक मैसेज है। इसलिए मेरा जो विजन है, इट इज ऑल अबाउट यंगस्टर्स, इट्स ऑल अबाउट यूथ। आज के टाइम पे आप कोई भी यंगस्टर को पूछो,
भाई तुझे तेरी जिंदगी में क्या चाहिए? वो क्या बोलेगा, सर मुझे मेरी जिंदगी में घर गाड़ी और पैसा चाहिए, राइट और रॉन्ग? कोई भी यंगस्टर को पूछे तुझे क्या चाहिए, वो बोलेगा घर गाड़ी और पैसा। लेकिन आज के टाइम पे हर एक यूथ को, हर एक यंगस्टर को घर गाड़ी पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा आज के टाइम पे हर एक यूथ को एक राइट करियर की जरूरत है। आर यू गाइस, आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? सर आज के टाइम पे हर एक यूथ को एक राइट करियर की जरूरत है। मेरा मैसेज है हर एक यूथ को, हर एक यंगस्टर्स को, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे करियर वे में क्यों नहीं देखते? आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे करियर वे में क्यों नहीं देखते? आप लोग मुझे पूछ सकते हो, सर आज इंडिया में हजारों धंधा है तो फिर भी मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे करियर वे में देखूं? बिकॉज बॉस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सिंपल अगर एग्जाम्पल बोलूं तो सर, जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ, जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, जब दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ, उस टाइम पे दोस्तों उस टाइम पे टाइम्स नाउ, कोई भी गूगल कर सकता है, टाइम्स नाउ का एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में मालूम है क्या लिखा हुआ था? उस आर्टिकल में लिखा हुआ था इन इंडिया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड, करीबन करीबन नियर बाई 45 लाख यूथ यंगस्टर्स जो पढ़े लिखे लोग थे बेरोजगार हो गए। अंडर 30 क्या सर? 45 लाख लोग जो पढ़े लिखे लोग थे बेरोजगार हो गए। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां आज के टाइम पे भी बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है पढ़े लिखे लोगों से, राइट और रॉन्ग? उनका हिसाब और किताब कौन देगा भाई? न्यूज़पेपर में तो आगे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे उनका हिसाब और किताब कौन देगा? इसलिए मेरे एक एक मैसेज है हर एक यंगस्टर को कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे करियर वे में लो। क्यों दोस्तों? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि सर कैसे? सर अपॉर्चुनिटी बड़ी है, सिंपल ट्रांसलेशन अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, आज सर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़ पीपल, राइट और रॉन्ग? इंडिया की पॉपुलेशन इज 130 करोड़ पीपल, बट फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में उनका टर्नओवर कितना है? आपने कितना देखा था सर? 18,000 क्रोस, राइट और रॉन्ग? नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर 18,000 करोड़। सेम वे में अगर आप यूएस को कंपेयर करते हो, अगर आप यूएस को कंपेयर करते हो, यूएस की पॉपुलेशन, उसकी आबादी अपनी 1/4 भी नहीं है, राइट और रॉन्ग? यूएस की पॉपुलेशन अपनी 1/4 भी नहीं है तो फिर भी जो जानता नहीं है, यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ है। कितना सर? 1 लाख करोड़। सोच के देखो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। डिफरेंस ये है आज के टाइम पे, मैं भाई ऐसे हवे में बात नहीं करता, रिसर्च एंड एनालाइज के बाद ही मैं स्टेज में बात करता हूं कभी भी। उसका मतलब यूएस की पॉपुलेशन में से 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर वे में करते हैं। और अगर मैं इंडिया की मैं बात करूं, जो जानता नहीं है, आज के टाइम पे भी इंडिया में सिर्फ 0.5% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ 0.5% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। सोच के देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सोच के देखो जिस दिन ये रेशियो 5% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 10% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 15% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 20% में बदलेगा, सोच के देखो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर ना इंडिया का, ना एशिया का, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर होने वाला है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग।
आप लोग मुझे एक और एक सवाल पूछ सकते हो, सर अगर इतना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो इंडिया में क्यों नहीं चलता सर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। उसका जवाब अगर मैं दूं तो दो चीज होगा उसका जवाब। पहला, अपने इंडियंस का सोच, पहला अपने इंडियंस का सोच, अपने इंडियंस का सोच कैसा होता मालूम है? मेरे बात का बुरा मत लेना, इधर मैं आज आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलने आया हो, राइट? हम इंडियंस का सोच कैसा होता है, अगर एक इंसान महीने का 10,000 रुपए कमाता है, वो इंसान और ज्यादा मेहनत नहीं करता है। क्यों? वो इंसान कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में बैठना चाहता है। इसलिए अगर मैं इंडियंस की मैं बात करूं, आज 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो महीने का 10,000 रुपए कमाती है, और वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक लग्जरी लाइफ दी है। हम इंडियंस कभी भी स्ट्रगल करना नहीं चाहते, हम लोग कंफर्ट जोन में ही बैठना चाहते हैं, इसलिए आज हम लोग बैकवर्ड में है, राइट? पहला रीजन वो है। दूसरा रीजन क्यों अपना डायरेक्ट सेलिंग का इतना रेप्यूटेशन नहीं है, सुनना चाहते हो? इधर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है क्या सर? कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई बैठा है? सर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो। सर एक सिंपल सवाल, मैं फील्ड वर्क किया हूं, मैं स्ट्रगल किया हूं, मैं लोगों के बीच में बैठा हूं, इसलिए ये चीज का प्रैक्टिकल चीज आपको बोलता हूं। अभी पूरा दिन आप क्या करोगे, माय लाइफस्टाइल का कंपनी का प्लान सुनोगे, माय लाइफस्टाइल कंपनी का पे आउट सुनोगे, हमसे थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाओगे, होने के बाद आप घर चले जाओगे, राइट और रॉन्ग? घर जाने के बाद फिर से आप 5 मिनट सोचोगे, यार आज जो मैंने लाइव देखा क्या वो असलियत में कुछ मेरे साथ ऐसे हो सकता है क्या? उसके बाद 5 मिनट आप सोचने के बाद मालूम है क्या करोगे, आप आपके घर के बाहर जाओगे, आप आपके घर के बाहर जाओगे, बाहर जाने के बाद 89 to 90 to 95% जो नए लोग हैं वो लोग एक्टिविटी करते हैं। क्या एक्टिविटी करते हैं? घर के बाहर जाने के बाद उनके जो पड़ोसी होते हैं ना, उनके जो पड़ोसी होते हैं उनको पूछते हैं, क्या पूछते हैं, यार आज तो मैंने माय लाइफस्टाइल कंपनी का प्लान सुना है, क्या लगता है तुझे, मैं उस पड़ोसी को पूछता हूं, क्या लगता है तुझे मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको हवाई जहाज प्लेन उड़ाना है तो आप एक पायलट को पूछोगे या एक ऑटो वाले ड्राइवर को पूछोगे? सर ऑब्वियसली पायलट को पूछोगे, राइट? ऐसे ही आपको माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करना है नहीं करना है, आप क्यों कोई एक बाहर वाले इंसान को पूछते हो जो इंसान महीने का 10,000 रुपए कमाता है, राइट और रॉन्ग? हमेशा ये मिस्टेक हम लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए लोग भरोसा नहीं करते हमारे सिस्टम पे। थैंक यू सो मच सर। इसलिए लोग हमारे पे भरोसा नहीं करते, वो लोग क्या बोलेंगे जब आप आपके पड़ोसियों के पूछते हो कि मुझे माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करना है नहीं करना है, और आपका पड़ोसी मालूम है क्या बोलता है, यार मत कर, वो चेन वाला धंधा है, इस स्कीम वाला धंधा है, मत कर नहीं ग्रो होगा। लेकिन उसको तो पूछो भाई तू महीने का कितना कमाता है, उसको तो पूछो भाई तू महीने का कितना कमाता है, अगर तू मेरा सक्सेस जानता है तो तू क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, राइट और रॉन्ग? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आज अगर आप माय लाइफस्टाइल कंपनी का प्लान सुने हो, पे आउट सुने हो, तो आप कोई भी माय लाइफस्टाइल के आदमी को सुनो, लेकिन आप कोई एक इंडस्ट्री को तो पूछो जो इस इंडस्ट्री में है, उनको तो पूछो डायरेक्ट सेलिंग का कितना ग्रोथ है, डायरेक्ट सेलिंग का कितना पोटेंशियल है। 98% लोग हमेशा यही करते कि बाहर वाले इंसान की सलाह लेते हैं, राइट? पहला वो रीजन है, इसलिए अपने डायरेक्ट सेलिंग ग्रो नहीं हो रहा है सर। पर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं एक चीज में, शायद से आज आपको इस सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं होगा, शायद से आज आपको ये प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा नहीं होगा, लेकिन आज मैं स्टेज में खड़के एक चीज का चैलेंज कर सकता हूं,
2030 में अगर कोई भी गूगल करे ना www.India's fastest growing industry challenge करके बोल सकते हो स्टेज पे, उसमें अपने डायरेक्ट सेलिंग का नाम जरूर आने वाला है, 100% कॉन्फिडेंस है, राइट दोस्तों. उसके बाद मैंने इधर लिखा हुआ है, आई ऑलवेज बिलीव दैट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये हर एक यंगस्टर के लिए दोस्तों सिंपल चीज, हर एक यंगस्टर को एक चीज बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं. मैं कोई एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज पूछना चाहता हूं. हम UKG करते हैं सर, LKG करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, टेंथ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं. ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद कॉलेज जाते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट और रॉन्ग. एक इंसान को UKG से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने तक कितना टाइम हो जाता है सर, कितना साल हो जाता है, कोई बता सकता है? नियर बाई 25 ईयर्स पकड़ू. एक इंसान को UKG से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक खत्म करने तक मिनिमम 25 ईयर्स हो जाता है. आई एम टॉकिंग विदाउट अरियर्स. वो इंसान 25 ईयर्स उसके जिंदगी के बड़ी 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 पढ़ाई करने के बाद वो इंसान क्या करता है? घर पे बैठता है सोचने के लिए, यार मैंने तो मेरी जिंदगी के बड़ी 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 पढ़ाई तो कर ली, अभी मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं? अगर नौकरी करूं तो उधर भी 3 साल का स्ट्रगल, उसके बाद मुझे घिसा पिटा मिलेगा कुछ सैलरी. और अगर बिजनेस करूं, अगर मैं बिजनेस करूं तो कैपिटल किधर से लाऊंगा? कौन मुझे लोन देने वाला इंसान है? और हर बिजनेस में कंपटीशन है. अगर वो इंसान 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना घर पे बैठ जाए सोचने के लिए, मैं बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, उतने तक उनके जो माता पिता है उनके ऊपर प्रेशर डालना चालू. क्या प्रेशर डालते हैं? तेरे पढ़ाई के पीछे हमने इतना पैसा डाला, अभी बाहर जाके कुछ तो लेके आ, कुछ तो लेके आ, कुछ तो लेके आ. उस कुछ के पीछे आज के टाइम पे इंडिया में जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें से 80% लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, जो मुझसे भी ज्यादा क्वालिफाइड है, जो शायद से आपसे भी बड़ा क्वालिफाइड है, तो फिर भी वो आज के टाइम पे 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 का सैलरी लेता है, राइट और रॉन्ग. प्रॉब्लम उसका डिग्री का नहीं है, प्रॉब्लम राइट प्लेटफॉर्म का है, राइट और रॉन्ग. दोस्तों सोच के देखो, आज मैं गर्व से बोल सकता हूं अपना कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है माई लाइफ स्टाइल, राइट और रॉन्ग. आज इधर कोई एज बैरियर नहीं है, आप 18 साल के हो या 70 साल के हो क्या फर्क पड़ता है भाई? आप अमीर हो तो गुड, आप गरीब हो तो क्या फर्क पड़ता है? आपने आपकी जिंदगी में कोई धंधा किया तो गुड, अगर आपने आपकी जिंदगी में कोई धंधा नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? आप अगर कोई सिटी में रहते हो तो गुड, आप अगर एक 4 टायर सिटी में रहते हो तो क्या फर्क पड़ता है भाई? आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं, आज हर एक आदमी अपने साथ जुड़ा हुआ है, हर एक प्रोफेशन का आदमी अपने साथ जुड़ा हुआ है. दोस्तों कल मैं कन्नूर में था, सलील सर को शेयर किया था, कल मैं कन्नूर में था, कन्नूर में उधर 15 सीलिंग अचीवर्स आए थे. कितना सर? उधर 15 सीलिंग अचीवर्स आए थे. मैं देखा यार ये लोग अच्छे हट्टे खट्टे हैं, अच्छे लंबे, अच्छी हाइट बॉडी है. तो उसके उधर के जो अपलाइन है ITC बिजोश मैथ्यू करके उनका नाम था, उनका सेलिब्रेशन था. तो मैंने बिजोश मैथ्यू सर को पूछा कि सर 15 के 15 लोग उनका क्या बैकग्राउंड है? सर सब अच्छे लंबे हट्टे खट्टे है. तो सर मुझे मालूम है क्या बोलते हैं, सर सब लोग ये जो 15 लोग जो स्टेज पे आए जो सीलिंग अचीवर बने हैं, सब लोग इंडियन आर्मी से. सोच के देखो, इंडियन आर्मी के लोग अपना बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं. आज हर एक प्रोफेशन के लोग अपने साथ है, डॉक्टर, लॉयर, ड्राइवर. मैं कन्नूर के केरला में एक इंसान है, उसका नाम है मिस्टर MS प्रसाद. उसका नाम है मिस्टर MS प्रसाद. उसका बैकग्राउंड माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन करने से पहले एक ट्रक ड्राइवर. क्या सर?
माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले एक ट्रक ड्राइवर आज के टाइम पे है, वो इंसान अपने कंपनी में ITC है, आज के टाइम पे वो इंसान के पास 2 से 3 नए नए BMW है, सोच के देखो अपना प्लेटफॉर्म दे सकता है। उसके अलावा एक इंसान है जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूं, वो हैंडीकैप्ड है, उसका नाम है थनचान। वो हैंडीकैप्ड है, उसका नाम है थनचान। वो जिंदगी में कभी भी उठ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, सिर्फ एक एक पोजीशन में बैठ सकता है। प्राउडली बोलता हूं आज अपने पास तो सब कुछ है, हाथ है, पैर है, जिधर जाना जा सकते हैं, जिधर आना आ सकते हैं, बट सोच के देखो हैंडीकैप होने के वजू भी वो इंसान आज के टाइम पे अपने कंपनी में STC रैंक होल्डर है। सोच के देखो यार, हमेशा बड़ा सोचो। और मैं माई लाइफस्टाइल से आपको दो चीज बोलना चाहता हूं, यंगस्टर और हर एक इंसान को। पहला, माई लाइफस्टाइल, हम यंगस्टर मालूम है कैसा है, सक्सेस जल्दी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, घर जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। लेकिन मैं माई मैनेजमेंट को आपको 2-3 चीज बोलना चाहता हूं। पहला, माई लाइफस्टाइल एक स्कीम नहीं है, माई लाइफस्टाइल एक स्कीम नहीं है। इधर शायद से आपको इधर बोल के लाया होंगे कि भाई माई लाइफस्टाइल में ID डाल या माई लाइफस्टाइल ज्वाइन कर, रातों रात तू करोड़पति बनेगा। गलत। माई मैनेजमेंट आपको बोलती है इधर माई लाइफस्टाइल में रातों रात कोई करोड़पति बनता नहीं है भाई। जो इंसान 4 से 5 साल फुल टाइम एज ए करियर एक बिजनेस को देने के लिए तैयार होता है, वो ही इंसान अपने बिजनेस में लखपति और करोड़पति बनता है। वेरी क्लियर। दूसरा मेरा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, मुझे मालूम नहीं अब तक आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी, मुझे मालूम नहीं आपके लाइफ में आपका क्या था, आपका रोल क्या था, मुझे मालूम नहीं अब तक आपके लाइफ में कितने लोगों ने आपको मदद किया नहीं किया, लेकिन मैं आज हर एक यंगस्टर को एक चीज बोलना चाहता हूं, जिंदगी में आपको किसी ने मदद किया तो ठीक, लेकिन जिंदगी में एक चीज याद रखना, अगर जिंदगी में कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखना सर, कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। हर एक यंगस्टर को बोलना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने है ना हाथ मत फैलाना। जिंदगी में एक चीज याद रखना, अगर आपको कुछ सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं है ना, इधर निखिल चंदन खड़ा है, इधर माय मैनेजमेंट खड़ा है, आपके जिंदगी के साथ भी है और आपकी जिंदगी के बाद भी रहेगी। राइट दोस्तों, उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग की तो बात कर ली, क्या कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। बट आज डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां, राइट और रॉन्ग, वो हजारों कंपनियों में से 500 आती है, 500 जाती है। बट व्हाई माय लाइफस्टाइल, क्यों माय लाइफस्टाइल बेस्ट है? पहला रीजन, आज मैं स्टेज में खड़ के गर्व से बोल सकता हूं, माय लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है पूरी इंडिया में जो आज के टाइम पे उनके लीडर्स को सबसे ज्यादा पे आउट देता है। राइट, पहला सबसे बड़ा USP वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, माय लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है पूरे डायरेक्ट सेलिंग में जिनको सिर्फ और सिर्फ 7 साल में, जिनको सिर्फ और सिर्फ 7 साल में बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड मिला है अपने एलिमेंट्स ब्रांड के लिए, बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला है। तीसरा पॉइंट, मोस्ट नंबर ऑफ अचीवर्स। आज जैसे मैं बोला डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें भी आज जो अपन ने जो अचीवर्स क्रिएट किए माय लाइफस्टाइल में, अपन ने जो अचीवर्स क्रिएट किए बहुत सारी कंपनीज को 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाते हैं। अगर माय लाइफस्टाइल के अचीवर्स की अगर मैं बात करूं, राइट फ्रॉम रैंक होल्डर्स की अगर मैं बात करूं, टीम कोऑर्डिनेटर से लेके कंपनी का जो टॉप रैंक है ना, क्राउन डायमंड तक, पूरे इंडिया में मोर देन 95,000 प्लस रैंक होल्डर्स है अपने सिस्टम में, 95,000 प्लस रैंक होल्डर्स। सोच के देखो इतना बड़ा USP,
और तीसरा स्किल इंडिया, इसके बारे में ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूंगा, लेकिन स्किल इंडिया भी अपने लिए बहुत बड़ा यूएसपी है। जब हम स्किल इंडिया वाले लोगों को मिलने गए थे, मीडिएटर थे राशि, उनका नाम था राशि, राइट। जब हम उनको मिलने गए थे, उन्होंने हमको एक सवाल पूछा, सर आप कितने लोगों को पास कराओगे स्किल इंडिया में? हमने क्या बोला मालूम है? सर मिनिमम 20,000 लोगों को पास कराएंगे स्किल इंडिया में। उन्होंने हमको एक सवाल पूछा, सर आप भी डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी हो क्या? हमने तो गर्व से बोला, यस सर वी आर फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। तो हमने उनको पूछा, क्यों सर कुछ हुआ है क्या? तो उन्होंने हमको क्या बोला मालूम है? सर मेरी बात का बुरा मत मानना, आपसे हाथ मिलाने से पहले एक और एक फॉरेन वाली कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी है, हमने उनके साथ हाथ मिलाया था, उन्होंने भी यही बोला था कि 20,000 लोगों को पास करवाएंगे, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2,000 लोगों को पास कराया। ए मैं प्राउडली बोल सकता हूं, माय लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है पूरी इंडिया में जिन्होंने मोर देन 40,000 प्लस लोगों को पास कराया स्किल इंडिया में। सोच के देखो इतना बड़ा यूएसपी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको वादा किया है, क्या वादा किया था मेरे स्पीच के स्टार्ट में, मैंने आपको क्या वादा किया था? आपका फ्यूचर क्या है मैं आपको बताऊंगा। सुनने के लिए तैयार हो? पक्का? राइट। अगर मैं फ्यूचर की मैं बात करूं, इधर कोई ऐसा लीडर है क्या जो पहले से अपने साथ जुड़ा हुआ है, 7 साल से अपने साथ जुड़ा हुआ है, 7, 8, 9 साल से अपने साथ जुड़ा हुआ है? पलन मंडल सर है। सर पलन सर एक सेकंड इधर आ सकते हो क्या सर? यस सर। सर एक सिंपल चीज आपको पूछना चाहता हूं, एक सिंपल चीज आपको पूछना चाहता हूं। बोले सर। जब कंपनी चालू हुई माय लाइफस्टाइल, उस टाइम पे 2013 की मैं बात कर रहा हूं, यस सर, उस टाइम पे सर अगर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट 95 खरीदना था, आपको कितना टाइम लगता था? बहुत टाइम सर। मिनिमम 15 से 20 दिन मिनिमम। यस सर। क्या सर? सर फर्स्ट स्टार्टिंग में 2013 में 2013 যখন আমরা মাই লাইফস্টাইল শুরু করলাম, হ্যাঁ তখন মাত্র 4টে প্রোডাক্ট ছিল, অনলি 4 প্রোডাক্ট। ফার্স্ট প্রোডাক্ট 95, এবার 95 প্রোডাক্টটা দিয়ে আমরা বিজনেস শুরু করছি, আর সেই সময় কলকাতায় সারদা এবং রোজ ভ্যালি ধরপাকড় চলছে, কোনো লোক নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ে জয়েন করছে না। আর সেই সময় আমরা স্টার্ট করেছিলাম সাহস করে মাই লাইফস্টাইল। এখন তো আপনারা সোনার মানে একদম সোনার প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন, এরকম প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন, এইসব প্রোগ্রাম কলকাতায় ছিল না। আমরা প্রোগ্রাম দেখতে যেতাম চেন্নাই, বোম্বে, হাম প্রোগ্রাম দেখনে কে লিয়ে বোম্বে, হ্যাঁ ও টাইম পে কলকাতা মে প্রোগ্রামই নেই থা, একই প্রোডাক্ট 95 সেল করকে হাম কাম কিয়া। তো স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। স্যার কো উস টাইম পে এক প্রোডাক্ট খরিদনে কে লিয়ে 15 সে 20 দিন লাগতে থে। কিউ? বিকজ উস টাইম আপনে পাস উতনা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই থা, উস টাইম আপনে পাস উতনে অফিসেস নেই থে, উস টাইম আপনে পাস উতনে পিইউসিস নেই থে, উস টাইম আপনে পাস উতনে লিডার্স নেই থে। ধীরে ধীরে করকে জব লিডার্স বড়নে চালু হুয়ে, তো কম্পানি নে ধীরে ধীরে করকে পিইউসি খুলে, পেলে এক পিইউসি খুলা, ফির দো খুলা, ফির পাঁচ, ফির পচাস, ফির সো, ফির দো সো, ফির তিন সো, ফির চার সো, ফির পাঁচ সো। জো জানতা নহি হ্যায়, আজ পুরে ইন্ডিয়া মে আপনে পাস মোর দেন 650 প্লাস পিইউসিস হ্যায় অল ওভার ইন্ডিয়া। ক্যা সর? আপনে পাস মোর দেন 650 প্লাস পিইউসিস হ্যায় অল ওভার ইন্ডিয়া। অভি মে আতা হু ফিউচার পে, আনে ওয়ালে টাইম পে, মতলব এ নেক্সট জেনারেশন কো 3 সাল কা টাইম দো। কিতনা সর? 3 সাল কা টাইম দো। মে আপকো ওয়াদা করতা হু, আনে ওয়ালে টাইম মে কম্পানি নে ক্যা প্ল্যানিং কিয়া হ্যায়, नेक्स्ट 3 साल के अंदर कंपनी इज प्लानिंग, कंपनी सोच रही है 3,000 नए पीयूसी खोलने के लिए पूरे इंडिया में। बहुत सारे लोगों के माइंड से बाउंसर गया है, सर 3,000 पीयूसी खोलेंगे तो हमारा क्या? इसका मतलब आज के टाइम पे जहां 650 पीयूसी है, तो फिर भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को नियरेस्ट पीयूसी जाना है 40 से 50 मिनट टाइम लगता नहीं लगता है, राइट? ए नेक्स्ट जनरेशन आपको वादा करता है आने वाला टाइम ऐसा फ्लेक्सिबल बनाएंगे
आप आपके घर के बाहर निकलो, 15 मिनट में आया भाई मेरा पीयूसी। इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करने वाला है। और 3000 का भी क्राइटेरिया हमने रखा है, बिकॉज जब मैं फील्ड वर्क करता था मैं क्या देखता हूं, जहां आज के टाइम पे अपन 3G 4G सब कुछ चल रहा है, और आने वाले टाइम में 5G का भी टेक्नोलॉजी आने वाला है, बट फिर भी अपने जो आउटस्कर्ट्स वाले जो एरिया होते हैं, जो टायर 3 टायर 4 वाले जो प्लेसेस होते हैं आज के टाइम पे, जहां अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो फिर भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक दिन लगता है, राइट और रॉन्ग? टायर 3 टायर 4 सिटीज पे आज के टाइम पे एक सिंगल प्रोडक्ट खरीदना है तो भी एक दिन का टाइम लगता है। मैं आपको वादा करता हूं, ए नेक्स्ट जनरेशन आपको वादा करता है, जब जैसे मैंने बोला कि अपन 3000 नए PUCs खोलने के प्लानिंग में है, तो उसमें अपना क्राइटेरिया क्या रहेगा, 3 क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया 3000 PUCs किधर खोलेंगे, फेज वन बोले तो पहला कॉन्सेंट्रेशन अपना टायर 3 टायर 4, फेज 2 मतलब सेकेंड स्टेप बोले तो सेकेंड फेज अपना टायर 2 सिटीज में, एंड फेज 3 विल बी आवर कॉन्सेंट्रेशन इन टायर 1 सिटीज। मतलब पहला जो 3000 PUCs जो अपन खोलने की प्लानिंग में है, पहले टायर 3 टायर 4 जो गांव वाले जो जगह है उधर खोलेंगे, फिर जो गांव से थोड़ा ऊपर है उधर खोलेंगे, फिर कलकत्ता जैसे शहर में खोलेंगे आप सारे लोगों के लिए, राइट? उसके अलावा माई लाइफ स्टाइल का फ्यूचर में हम लोग बहुत सारी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे आज अपने पास 110-115 प्रोडक्ट है, राइट और रॉन्ग? आज अपने पास 110-115 प्रोडक्ट है। अगर मैं फ्यूचर की मैं बात करूँ, फ्यूचर के 2030 की अगर मैं बात करूँ, आपके पास एलिमेंट्स के ब्रांड में ही, आपके पास सिर्फ एलिमेंट्स ब्रांड के अंदर ही आपके पास मिनिमम 300 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं 2030 तक। एक और एक गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, जब मैं रिसेंटली KKR सर को मिला और DBA नारायण सर को मिला, जब मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था, मेरे हिसाब से साल के एंड तक आपको करीबन 4 नए प्रोडक्ट मिल सकते हैं एलिमेंट्स ब्रांड्स के अंदर, राइट? उसके अलावा कंपनी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, राइट? उसके बाद आज माई लाइफस्टाइल सिर्फ इंडिया में है, लेकिन 2030 में 100% माई लाइफस्टाइल एटलीस्ट 5 to 6 डिफरेंट कंट्रीज, और उस डिफरेंट कंट्रीज में बांग्लादेश में भी चालू करने वाली है कंपनी, राइट? फ्यूचर तो बता दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ सर इधर, विजन 2.0। उसका मतलब हर इंसान को अगर उसका धंधा बढ़ाना है तो उसको उसके अंदर एक नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, राइट और रॉन्ग? एक एग्जांपल दूंगा, नोकिया मोबाइल सबको पता है सर, 25 साल पहले जिसके पास नोकिया मोबाइल होता था वो इंसान राजा के जैसा रहता था, राइट और रॉन्ग? लेकिन आज के टाइम पे वही इंसान शर्माता है, क्यों? उसके लेफ्ट साइड में एक एंड्रॉइड वाला बैठा है, राइट साइड में एक एप्पल वाला बैठता है। नोकिया का डाउनफॉल क्यों हुआ? बिकॉज उसने कभी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया, राइट? उसने कभी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं किया। उसको क्या लगा, मेरे जो लॉयल कस्टमर्स है वो मेरे साथ ही रहने वाले हैं, इसलिए नोकिया का डाउनफॉल हुआ। ऐसे ही अगर मैं माई लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, अगर माई लाइफस्टाइल को इधर से इधर लेके जाना है तो माई लाइफस्टाइल को एक नया विजन डालना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? तो जो नया विजन है माई लाइफस्टाइल का, जो नया विजन है विजन 2.0, सुनने के लिए तैयार हो सर? पक्का? माई लाइफस्टाइल का नया विजन विजन 2.0 है विजन बिलियन। क्या लिखा हुआ सर? विजन बिलियन। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर बिलियन क्या होता है सर? मैंने तो मेरी जिंदगी में लखपति सुना है सर, करोड़पति सुना है, पर सर बिलियन क्या होता है? बिलियन का मतलब एम मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, बी बिलियन, बिलियन का मतलब 100 करोड़, राइट? दुनिया की पॉपुलेशन
9.5 बिलियन। क्या सर? दुनिया की पॉपुलेशन 9.5 बिलियन, मतलब 950 करोड़ लोग। उसमें से हमारा विजन, उसमें से हमारा विजन, जब माय लाइफस्टाइल इंडिया से बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश से दूसरे कंट्रीज जाएगा, जब माय लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में रहेगा, पूरी दुनिया में चाहेगा, उस टाइम पे अपना विजन 1 बिलियन पूरा रहेगा। अपना विजन क्या है? जैसे मैं बोला, दुनिया की पॉपुलेशन 9.5 बिलियन, उस 9.5 बिलियन में से माय लाइफस्टाइल का विजन ये है, हम वो 9.5 बिलियन में से 100 करोड़ लोगों के लाइफ को छूना चाहते हैं। ये हमारा विजन है। वो 9.5 बिलियन लोगों में से 1 बिलियन लोगों के लाइफ को छूना चाहते हैं, अपना बिजनेस का कंपनी, अपने कंपनी का प्लान और अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स रेफर करके, राइट? तो इधर मैंने लिखा है अवर विजन, हमारा विजन है इंडिया तक ही सीमित नहीं है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड तक जाता है अपना विजन, राइट? उसके बाद हम कैसे अचीव करेंगे? इन टू वेज, उनके माइंड, हार्ट एंड पॉकेट्स में रखे, राइट? मैंने विजन तो बोल दिया, विजन बिलियन तो बोल दिया, लेकिन विजन क्या होता है? सिंपल, कैसे हम उस विजन को पूरा करें? दो वे में पूरा कर सकते हैं हम हमारा विजन। पहला वे ऐसे ऐसे फैंटास्टिक आयुर्वेदिक में और अपने एलिमेंट्स ब्रांड में फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स लाओ कि आपका नियरेस्ट कंपेटिटर भी 50 किलोमीटर दूर रहे आपसे। पहला वे। और दूसरा, अपने कंपनी का बिजनेस प्लान देख के, राइट? मुझे मालूम है इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर कैसे सर आप पूरा करोगे विजन बिलियन? भाई शायद से आज आपको इम्पॉसिबल लगता होगा, लेकिन जिंदगी का असूल है, मालूम है क्या है वो असूल? जो चीज आज आपको इम्पॉसिबल लगता है, आने वाले टाइम में वो ही होता है, राइट और रॉन्ग? सिंपल चीज, सर 100 साल पहले अगर आपको कोई पूछता, आने वाले टाइम में एक कॉमन पर्सन भी एक हवाई जहाज के अंदर बैठ सकता है, आप मानते क्या सर 100 साल पहले? नहीं मान सकते थे, लेकिन आज ये हुआ है, राइट और रॉन्ग? सर 50 साल पहले जहां कोडा कैमरा का जमाना था, सबको पता है कोडा कैमरा जो था ना, उस टाइम का जमाना था, उस टाइम पे अगर कोई इंसान सर को बोलता आने वाले टाइम में एक स्मार्टफोन आएगा और उस स्मार्टफोन के अंदर एक कैमरा आएगा, कोई मानता उस टाइम पे? कोई नहीं मानता। 25 साल पहले अगर आपको कोई बोलता एक पेन आएगा, एक पेन के अंदर एक कैमरा आएगा, कोई मानता सर? कोई नहीं मानता। 15 साल पहले अगर आपको कोई पूछता इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले, कोई मानता? कोई नहीं मानता। 10 साल पहले, क्या सर? 10 साल पहले कोई पलान मंडल सर को देख के बोलता आने वाले टाइम में करोड़पति बनने वाले, कोई मानता? नहीं मानता, पर आज है करोड़पति, राइट? 4 महीने पहले अगर आपको कोई बोलता पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई आम आदमी पार्टी का कोई रहेगा, आप मानते? नहीं मानते। ऐसे ही आज शायद से विजन बिलियन को आप मान नहीं रहे हो, लेकिन मैं चैलेंज और प्रॉमिस के साथ, कमिटमेंट के साथ बोलता हूं, आने वाले टाइम में ये विजन बिलियन जरूर होने वाला है, राइट? जैसे अपने केकेआर सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? ठंडा मतलब क्या था आपके माइंड में? क्या सर? ठंडा मतलब कोको कोला, राइट? तो ठंडा मतलब कोको कोला। आने वाली जनरेशन मालूम है क्या बात करने वाली है? सुनना चाहते हो? आने वाली जनरेशन मालूम है क्या बात करने है? 1 बिलियन मतलब कितना है सर? कितना बोला मैंने आपको? 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 10 नहीं भाई, 100। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 100 करोड़। और 100 करोड़ मतलब कितना है भाई?
जरूर है, बात करने वाली है। जाते जाते एक एक चीज बोलूंगा, जाते जाते एक एक चीज बोलूंगा। आज से 10 साल पहले एक ऑडिटोरियम था, मेरे पापा स्पीच दे रहे थे। उस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स ने पूछा, सर आप तो हमारे लिए हो लेकिन सर कंपनी का फ्यूचर क्या है। उस टाइम पे मेरे पापा ने कुछ सोचा नहीं, सिर्फ एक एक कमिटमेंट किया था। क्या किया था मेरे पापा ने कमिटमेंट, आने वाले टाइम में आप देखना एक दिन ऐसा आएगा मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा। आज अपन ने स्टेज में क्या देखा, पलान मंडल सर के सन एंड डॉटर स्टेज पे थे, राइट। आज उनके नेक्स्ट जनरेशन ने बिजनेस कर रहे हैं, राइट। आज भाई मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, पर मैं आपको वादा करता हूं अगर आप इस सिस्टम में रहोगे, अगर आपकी जनरेशन इस सिस्टम में रहेगी, मैं वादा करता हूं आने वाला टाइम ऐसा भी टाइम आएगा मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा, राइट। सो जाते जाते एक सिंपल चीज पूछूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपको, क्या माय लाइफस्टाइल की नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भरोसा है क्या? पक्का? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच सर। सो अपने केमन लगलो, अपना मोटिवेटेड? बट हमें तो बुझते ना एक्साइटमेंट कोता है। A round of applause for sir. So, এখন আমরা প্রোগ্রাম কন্টিনিউ করব। এমন একটা অ্যাওয়ার্ড আমরা এখন দিতে চলেছি সেটা আজ অবধি দেওয়া হয়নি। ইট ইজ ইয়াং এন্টারপ্রেনার অ্যাওয়ার্ড অফ 2022। সো এটা অনেক সিলেক্টেড ইয়াং লিডার্সদের জন্য এই অ্যাওয়ার্ডটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। তো ফর দ্যাট আওয়ার ইয়াং ডাইনামিক লিডার, so I will give the award, and so I would like to welcome on the stage our CEO of MI Lifestyle, Salil Matthew sir, my dad Mr. Palan Mondol sir, and my mom Mrs. Meena Mondol ma'am on the stage. आप सारे लोगों को एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूं, हमने स्पेशल रिकग्निशन क्यों रखा मालूम है? मैंने पलान सर को रिक्वेस्ट किया था, मैं 4 दिन पहले जब मैं आया था कलकत्ता, सर को एक एक चीज बोला। सर नॉर्मली क्या होता है ना, जब माई मैनेजमेंट या कोई भी लीडर कोई इवेंट करता है, जब कंपनी कोई भी इवेंट करती है या जब कोई लीडर कोई भी इवेंट रखता है ना, हर आदमी स्टेज पर हाईलाइट होता है। डायमंड हो, ITC हो, CTC हो, NTC हो, या एक अचीवर हो या सीलिंग अचीवर हो, हर एक आदमी स्टेज में रिकग्निशन होता है। बट हम लोग कभी भी यूथ और यंगस्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करते। मैंने प्रधान सर को बोला, मैंने बोला सर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ स्टाइल आप एक ऐसा प्लान करो कि हम एक यूथ एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस में जो जुड़े हुए हैं उनको स्टेज में बुलाए, उनको फिलिस्ट्रेट करें, उसको देख के आने वाले टाइम में आप इस चीज का रिजल्ट देखना 100% आपके टीम में और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स ज्वाइन करने वाले हैं। ये सिंपल चीज का पलन सर को बोला था।